निर्दलीय भी होता है। वीरेंद्र भाई ने टिकट को नहीं मिली और बीजेपी में 10 साल मड़ाई खा गया, वीरेंद्र का परिवार आ गया। बिल्कुल गलत बात है, मेहनत करा है नौजवान बालक है और दूसरी पार्टी में देखा या सत्ता में आओगी उसे मैं बड़ा है। वीरेंद्र का परिवार ने टिकट नहीं देवा चाहे कौन सी पार्टी के लिए, ये कांग्रेस का राहुल तो बनडागा दे वीरेंद्र को उड़िया टिकट कट दी को नहीं और उड़ा थोड़ा दीपेंद्र बांडा तो नहीं कट दी। और भाई वाह बात है मौसी मामाले हो गए जे वह अलग बात है, फिर निर्दलीय लड़ना चाहिए। इसने 15-20 साल हो गए मेहनत कर, फिर भी 5-5 सीट आई है, 5-5 सीट आई है, कुछ तो ताना शाही थी, कुछ सीटा पे ताना शाही की वजह से जीत हासिल करी है। अगर जे सही तनबंधन टकराव है नी सीटें दो या तीन आओ है बीजेपी की। हमारा गांव में स्टेडियम है बहुत बढ़िया सुंदर, अति सुंदर स्टेडियम है, जीन जिला सबसे सुंदर, जीन से भी शायद प्रसिद्ध में बिल्कुल है। 500-700 बालक लड़के लड़की ट्रेनिंग करे करते, वो फिजिकल की तैयारी करे करते, वह बंद हो गए वो अग्निवीर कर। बीजेपी तो अहंकार है, किसी ने भी सिस्टम न, मजदूर किसान विरोधी सरकार है, किसी का संबंध माओवादी में तो नो कहूँ। मेरी उम्र के तो बीजेपी ने, मेरे तो छोटे जितने हैं आज जुड़े को वोट ना दियो। अगर वीरेंद्र गोगड़िया फार्म भर है निर्दलीय भी, विकास काला उच्चाण वाला की वीरेंद्र गोगड़िया की टक्कर होगी, पार्टी वाला की टक्कर नहीं होगी। हर जो पासे गोगड़िया वाला यार कने राहुल आया हुआ। राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया करसिंधु गांव में पहुंच रहे हैं। करसिंधु गांव का लोकसभा का तो आपने चुनाव देखा भाई, कांग्रेस की जीत रही है, विधानसभा में पूछांगे इब किसने जिताओगे और किसने एमएलए के तौर पर उच्चाणा का फेस लेकर आओगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब। अच्छा को भी सभी को राम राम। और ठीक हो जी? ठीक बढ़िया भाई साहब। अच्छा जी किसने के जिताओगे भाई? मारा तो सरुआ का मुंड था, मोदी टाओ देश बचाओ। अच्छा, लोकसभा में हमने ये निर्णय ले लिया, इब रह गया आपका राज्यसभा। हरियाणा का सरकार का, हरियाणा सरकार में टिकट है, चावा तेन भाई ने मिल जाए टिकट है, किसी ने भी मिलो वीरेंद्र ने गोगड़िया वीरेंद्र गोगड़िया। हाँ अच्छा, अगर किसी ने भी मिला कांग्रेस में तो तन मंदन था कांग्रेस के साथ से। अच्छा, मैं तो मोदी विरोधी। हाँ अच्छा, मतलब बीजेपी इतना विरोध क्यों करो, सारे ही हो काम हो गया। 15-13 महीने थोड़ा दिल्ली बैठे रहे भी हो, इस बात का तो बिरा होगा, 750 किसान मरे मरे सबने बेरा इस बात का, तो इससे बड़ा विरोध और क्या होगा भाई? तो ठीक, फिर भी 5-5 सीट आई है, 5-5 सीट आई है, कुछ तो ताना शाही थी, कुछ सीटा पे ताना शाही की वजह से जीत हासिल करी है। अच्छा, अगर जे सही तनबंधन टकराव है नी सीटें दो या तीन आओ है बीजेपी की। अच्छा हाँ, इतना बड़ा गोटा, इतना बिल्कुल यूपी में एक तरफा इलेक्शन था, 20-22 सीटा कर रहे हैं कुछ भी कर। अच्छा ऊंचाना था दुष्यंत चौटाला नु का, मैं दुष्यंत का था जो लिया, जो सिंधु में भी बड़ा जोर था। और तो बताओ ताऊ देवीलाल का नाम पे वोट मांगी अगर दे, और भाई उसका बलाओ ताऊ देवीलाल का पौधा लाए पिछले मिले बुढ़िया ने, उस पे फल फूल रहे थे, ये लिया बराबर धनु 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 अजय भी और अभय भी, धनु खत्म, कोई ओल्ट नहीं है इनका। राम राम। राम राम भाई ठीक है, तेरा चैनल तेरे दर्शक तेरे सब्सक्राइबर ना सारे ना जुड़ेगा। राम राम ठीक हो जी? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा जी एमएलए के तौर पर उच्चारण किसने बिठाया भाई? एमएलए पतो बिठाना चाहवा हाँ वीरेंद्र गोगड़िया ने, मेरा छोटा मित्र है, इसका बड़ा भाई मेरा क्लासमेट है। अच्छा अच्छा, सिमरत अच्छी डाल जाना बचाना, मेहनत यू करे है, फिर बाकी मोदी के विरोधी हाँ, जो मोदी ना रहेगा जितावांगे उसकी, मोदी के विरोधी क्यों हाँ, तीन काले कानून यू लेके आया, दो गुजरातिया ने भारत देश लूट का खा लिया, देश हैंग कर लिया बिल्कुल। अच्छा अग्निवीर नौजवान, हमारा गांव में स्टेडियम है बहुत बढ़िया सुंदर, अति सुंदर स्टेडियम है, जीन जिला सबसे सुंदर, जीन से भी शायद प्रसिद्ध में बिल्कुल है। 500-700 बालक लड़के लड़की ट्रेनिंग करे करते, वो फिजिकल की तैयारी करे करते, वह बंद हो गए, अग्निवीर करके बंद हो गए। अग्निवीर के खिलाफ किसान ना काले कानून के खिलाफ है, और बीजेपी तो अहंकार है, किसी ने भी सिस्टम ना, मजदूर किसान विरोधी सरकार है, किसी का संबंध माओवादी में तो नो कहूँ। मेरी उम्र के तो बीजेपी ने, मेरे तो छोटे जितने हैं आज जुड़े को वोट ना दियो। अच्छा
मतलब ऊपर बदलाव हो या चनाव हो हरियाणा में, हरियाणा में बदलाव जरूरी है, हरियाणा में भी बदलाव यू जरूरी है। पहली तो प्योरिटी आ है जो मोदी ने कैंडिडेट दिखनी निर्दलीय भी होता है। वीरेंद्र भाई ने टिकट को नहीं मिली वो बीजेपी में 10 साल मड़ाई है गया, वीरेंद्र का परिवार है गया। बिल्कुल गलत बात है, मेहनत करा है नौजवान बालक है और जो सी पार्टी में दिखे या सत्ता में आओगी उसे मैं बड़ा है। वीरेंद्र का परिवार ने टिकट नहीं देवा तो कौन सी पार्टी के लिए, ये कांग्रेस का रुझान है दिखा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है वीरेंद्र डूमर खान है, अगर वीरेंद्र गोगड़िया फार्म भर है निर्दलीय भी हाँ। विकास काला उच्चा की वीरेंद्र गोगड़िया टक्कर होगी, पार्टी वाला की टक्कर नहीं होगी। अच्छा जी, हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र भाई के लिए बिल्कुल सहमत हाँ, धन्यवाद। टिकट लेना उसका काम है, इतने दमा में शक्तिशाली यहाँ को नहीं, बट टिकट दुबई ले आवांगे ना। ठीक ठीक, वीरेंद्र के साथ पुराना वर्कर है, दिल से भी मन से भी धन से भी। अच्छा अगर आपका एक बात और कही आपने, अगर निर्दलीय लड़े तो निर्दलीय लड़े फिर भी वीरेंद्र भाई अगले 5 गांव 7 मैच जाएंगे नी। वीरेंद्र कोई पिछली बार आए थे वीरेंद्र गोगड़िया अगले साबित कर सिंधु समर्थन देने में तैयार है। अच्छा चलो बहुत जान है सबने बेरा भाई, छोरा लुट लिया पिट लिया पार्टियां में खर्चे करा है, जो ही पार्टी में यू जावे 5 साल मेहनत करा वीरेंद्र आएगा ना बैठ गया डूमर का वीरेंद्र, उसका पल्ला कुछ नहीं हो तो नू कहा है भले मन ने टिकट जो नहीं मिली नहीं मैं लेन वीरेंद्र गोगड़िया ने लेना। वीरेंद्र गोगड़िया टिकट ओके भगवान कास्ट नाला टिकट तो उसकी ऊपर भी राहुल तो बांडा का दे वीरेंद्र गोगड़िया टिकट कट दी को नहीं हाँ। और उड्डा थोड़ा दीपेंद्र बांडा तो नहीं कट दी हाँ। और भाई वाह बात है मौसी मामा हो गए जे वह अलग बात है, फिर निर्दलीय लड़ना चाहिए। इसने 15-20 साल हो गए मेहनत कर निर्दलीय, निर्दलीय में आपने दिखा भाई की मैं बिल्कुल निर्दलीय में इसी बात को नहीं 5 गांव उठ के आऊंगा नहीं। गोगड़िया कदे करसिंधु से दूर होया को नहीं, करसिंधु गोगड़िया दूर कैसे हो जाएगा। बिल्कुल गांव तन मन धन से भाई के साथी हैं वीरेंद्र गोगड़िया, छोटा भाई अपना बिल्कुल उसके साथ में। गुजरातिया ने बगा दो सैनी कै परसेंट है अपना, 2% सैनी है भाई होंगे। थोप दिया हरियाणा वह हरियाणा ही कह रहे हो मैं जी। एमपी है एक एमपी ने 6 महीने खतरे महिला इलेक्शन लड़ाएगा ने मुख्यमंत्री बना भी है, किसी ने भी थोप्स का है गुजराती हैं तो। अच्छा, जेई की भर्ती हुई थी 80 आदमी लेने थे, 5 आदमी हरियाणा के लागे 75 गुजरात के जेई लागे थे, गुजराती थोपा है। मुख्यमंत्री सुपर सीएम गुजरात का अफसर बिठा रखा है, ईबी जो मंत्रालय में है सारी पावर अपना रखा है, ये तो नाम का डम्मी सीएम है। अच्छा, अफसरशाही है, अफसरशाही इनके हैं सारे गुजराती प्रशासन में, बड़ी पोस्ट पकड़िया देख लियो गुजरात में पाओगा, हरियाणा में गुजराती पाओगा गुजराती खा के लूट के मोदी अमित शाह। और 5 साल सेंट्रल सरकार भी नहीं चलती इनकी, सेंटर की जो झटका है, 5 स्टेटा में विधानसभा के इलेक्शन हुए और झटका आया, मतलब वह सरकार में भी खतरा है बिल्कुल खतरा है। वो सिस्टम डाल लिया नीतीश का नजरें नहीं मिलाया करता, नीतीश ने दोनों कह करता गद्दार में हमें दोबारा कोई इंट्री को नहीं, आज नीतीश के गलात मिला हुआ है। देखी हुआ वीडियो आपने न्यूज चैनल पर भी आ रही है, यूट्यूब पर भी आ रही है, जो अपना नायडू ने धक्का कुर्सी पे बिठाया हुआ है नायडू के, पहले नायडू ने पूछा को नहीं उसका समझौता थोड़ी गया, नायडू की लोकसभा की सीट है रही है तो नायडू इसी प्यारा लग गया है, वो धक्का तो कुर्सी पे बिठा धक्का तो कुर्सी बिठाया था। गुजराती लुट का है इनके निगाहत में रही को नहीं पावर, कहरा कौन सा जोड़ी खींच चलेगा तारी सरकार टूट जाएगी। गुजराती बगाओ देश हरियाणा बचाओ, बिल्कुल जी बिल्कुल। नाम हरियाणा का सीएम है लेकिन ऊपर अफसरशाही है और गुजराती अफसरशाही। भाई साहब मैं हूँ कट्टर जमा प्योर अभ्य के साथ बैठने वाला ताऊ देवीलाल का टेम का ओम प्रकाश चौटाला बाई नेम बाई फेस जाना है हाँ। ना तो मैंने दिया दुष्यंत का वोट, आप पिछली बार भी चश्मा का वोट दिया, कट्टर ही निल होगा हूँ मैं, कट्टर ही निल होगा हाँ। अगर वीरेंद्र गोगड़िया निर्दलीय इलेक्शन लड़ा पार्टी टिकट लिया वीरेंद्र गोगड़िया अगला लागेंगे बिल्कुल तन मन धन से लागेंगे, मैं निल होगा हूँ। अगर खुद अभ्य चुनाव लड़ा है तो उचाना विधानसभा से फिर तो वोट जावेगा इन्हें लोग और भाई साहब नहीं तो वीरेंद्र गोगड़िया तन मन धन से हाँ।
और माँ में तो बीजेपी ने कदे ना पहला वोट दी और ना ही देव ना अगे देव। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना टाइम दिया। ठीक है, थैंक यू भाई। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब।